आपने रखी थी बैठक सरकार के सामने? जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है, सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हैं चयन पुनरोन्नत वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है, अंतरमंडल का मामला है, जो हमारे तदर्थ वाले साथी हैं उनके चयन वेतन मांग स्वीकृत करने के बाद फिर कैंसिल कर दिए गए हैं। इस प्रकार की प्राइमरी से आए हुए जितने भी शिक्षक साथी हैं तो प्राइमरी के आए हुए चयन पुनरोन्नत वेतन मांग है, पुस्तकें हैं, पुस्तकों का जो मामला है, अभी तक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं परसों 12 तारीख से, और अभी तक भी कई पुस्तकें अभी विद्यालयों में पहुँची नहीं हैं, विद्यालय में संसाधनों का अभाव है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं जिन पर सरकार ने अपनी सहमति दी थी 2 माह में कुछ ना कुछ इसमें हल निकल जाएगा, अभी तक कहीं भी किसी भी स्तर पर न कोई पहल है न कोई हल दिखाई दे रहा है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो आगे क्या आप? निश्चित रूप से पहले तो छात्र हित है, इसीलिए हमने काला फीता बांधकर विरोध करा, आज हम रविवार के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी एकाध कार्यक्रम करने के बाद जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है सरकार बाध्य करेगी तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हड़ताल करना हो तालाबंदी करना हो ये बाद में है, लेकिन हमारा दिल से ये मानना है कि पहले छात्र ही तो हो, सरकार बाध्य करेगी तो फिर वो भी देखा जाएगा, वो भी किया जाएगा। सरकार से मांग है 4 अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे तेरे जनपद कार्यकारिणियों ने दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था, और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा, किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं रमेश पैनुली जी लगातार शासन स्तर पर विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पर कोई प्रगति हमें दिखी। हमने पहले 27 तारीख को काला फीता बांधकर विरोध किया था, फिर 1 हफ्ते का समय दिया था और उसमें फिर भी कोई किसी तरह की न विभाग द्वारा न शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी, न सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी, तो बाध्य होकर हमने आज रविवार को शिक्षक यानी छात्र ध्यान में रखते हुए रविवार को अपनी जागरण ट्रेनिंग निकाली, जिसे हम हड़ताल का रूप तो नहीं दे सकते, हड़ताल अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, शासन या विभाग हमारी बात नहीं मानती, तो बाध्य होकर हम 1 हफ्ते बाद हड़ताल की घोषणा कर देंगे। सामने रखी थी बैठक सरकार के सामने, जैसे पहली मांग तो पदोन्नति की है, कई समय हो गया टाल मटोल सरकार कर रही है, सारे पद लगभग 2000 पद प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के खाली हैं, 3000 पद प्रवक्ता के खाली हैं, जो बहुत आराम से पदोन्नति हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। हैं चयन पुनरोन्नत वेतन वृद्धि के मामले हैं, वेतन विसंगति के मामले हैं, 5400 राजपत्रित का मामला है, अंतरमंडल का मामला है, जो हमारे तदर्थ वाले साथी हैं उनके चयन वेतन मांग स्वीकृत करने के बाद फिर कैंसिल कर दिए गए हैं। इस प्रकार की प्राइमरी से आए हुए जितने भी शिक्षक साथी हैं तो प्राइमरी के आए हुए चयन पुनरोन्नत वेतन मांग है, पुस्तकें हैं, पुस्तकों का जो मामला है, अभी तक विद्यालयों में अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हैं परसों 12 तारीख से, और अभी तक भी कई पुस्तकें अभी विद्यालयों में पहुंची नहीं हैं, विद्यालय में संसाधनों का अभाव है, दुनिया भर की दिक्कतें हैं जिन पर सरकार ने अपनी सहमति दी थी 2 माह में कुछ ना कुछ इसमें हल निकल जाएगा, अभी तक कहीं भी किसी भी स्तर पर न कोई पहल है न कोई हल दिखाई दे रहा है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेती तो आगे क्या आप? निश्चित रूप से पहले तो छात्र हित है, इसीलिए हमने काला फीता बांधकर विरोध करा, आज हम रविवार के दिन कार्यक्रम कर रहे हैं, आगे भी एकाध कार्यक्रम करने के बाद जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा है सरकार बाध्य करेगी तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, हड़ताल करना हो तालाबंदी करना हो ये बाद में है, लेकिन हमारा दिल से ये मानना है कि पहले छात्र ही तो हो, सरकार बाध्य करेगी तो फिर वो भी देखा जाएगा, वो भी किया जाएगा।